नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाजर का हलवा। एक बार इस तरह से गाजर का हलवा बनाइए, एकदम से परफेक्ट बनेंगे और जल्दी से बनकर तैयार भी हो जाता है। हलवा बनाने के लिए यहाँ पे गाजर को अच्छे से छील लिया है और धुलकर इस तरह से काट लिया है। इस तरह से मोटा मोटा मैंने काट लिया है गाजर को। अब इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है, एक छोटी गिलास का दूध है और एक बड़ा चम्मच घी लिया है। अब कुकर को गैस के ऊपर चढ़ाएंगे। और जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तब इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि घी अच्छे से ऊपर नीचे सब जगह मिक्स हो जाए गाजर के साथ। अब इसका सीटी लगा लेंगे। दो सीटी में बहुत अच्छा से कुक हो जाता है गाजर। देखिए बहुत ही अच्छा कुक हुआ है, एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इसको कलछुल की सहायता से मैश कर लेंगे। आप किसी मैशर का भी यूज कर सकते हैं, वैसे इसी से बहुत ही अच्छा यह मैश हो जाएगा, एकदम से पेस्ट जैसा हो जाता है। देखिए एकदम से मैश हो गया है। अब गैस के ऊपर पैन चढ़ाएंगे। जब गर्म हो जाए तब यहाँ पे एक बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी में हलवा बनाने से बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट आता है और सुंधा सुंधा सा महक आती है। अब इसको भून लेंगे हलवे को, गाजर को इस तरह से। जो थोड़ा बहुत रह गया है उसे बड़े चम्मच की सहायता से मैंने अच्छे से और मैश कर लिया है। उलट पलट कर इसे चला लेंगे। जब 3 से 4 मिनट तक हो जाए पकते हुए तब यहाँ पे चीनी डालेंगे। यहाँ पे एक कटोरी चीनी लिया है मैंने। आप अपने हिसाब से चीनी को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। गाजर थोड़ा मीठा था इसलिए एक कटोरी चीनी मैंने लिया है। चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब यहाँ पे दूध ऐड करेंगे। एक कटोरा और दूध लिया है उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हाई रखेंगे और गाजर को हलवे को उलट पलट कर इस तरह चलाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए अब यह थोड़ा सूखा हो गया है। इसको उलट पलट कर अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी मलाई लिया है। मलाई को अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें डाल लेंगे हलवे के साथ, अच्छे से मिक्स करेंगे। मलाई डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हलवे का। बगैर खोए के भी ये बहुत ही ज़्यादा मलाईदार बनकर तैयार होता है हलवा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चला लेंगे उलट पलट कर। हलवा अब रेडी हो गया है। यहाँ पर फिर एक बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हलवे के साथ। इस तरह से बना हुआ हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। एक बार आप इस तरह से अवश्य ट्राई करिए, सब लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। अब हलवा बनकर तैयार हो गया है। गैस बंद करेंगे, इसे नीचे उतार लेंगे और सर्व कर लेंगे। यदि आपको यह रेसिपी पसंद आया हो गाजर के हलवे का तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।